बरसात के मौसम में जब नदी नाले उफान पर होते हैं, तब नक्सली फोर्स पर हमला कर दुर्गम जंगलों में गुम हो जाते हैं। कुछ साल पहले तक जून से अगस्त के बीच फोर्स पर हमले की कई बड़ी वारदात सामने आ चुकी है। हालांकि अब स्थिति बदल गई है, इस बार फोर्स हमलावर है और नक्सली मारे मारे फिर रहे हैं। इससे पहले कि नक्सली हमले की कोई कारगर रणनीति बनाए, फोर्स ने ऑपरेशन मानसून लॉन्च कर दिया है। फोर्स की बदली रणनीति नक्सलियों पर भारी पड़ रही है। वहीं इस पर बस्तर की आईजी ने बताया कि आमतौर पर यह माना जाता है मानसून की अवधि में नक्सलवादी अभियान कम हो जाते हैं, लेकिन विगत वर्षों में बस्तर संभाग के अंतर्गत सीमावर्ती अंदरूनी इलाके में मानसून की अवधि में भी लगातार नक्सलवादी अभियान संचालित किए गए थे, उसके काफ़ी सकारात्मक परिणाम भी रहा। इसे देखते हुए वर्ष 2022 के मानसून के दौरान भी लगातार नक्सलवादी अभियान जारी रहेगा। इसके लिए हमारा सुरक्षा बल के सदस्य सब ट्रेंड है और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से सब तैयार भी है, और इसी के विगत वर्षों में जो सकारात्मक परिणाम देखे गए थे उसी को अनुभव को आगे लेते हुए मानसून की अवधि में भी लगातार ना सिर्फ अभियान जारी रहेगा, साथ साथ जो विकास कार्य है जो क्षेत्र की जनता के मनसानुरूप सड़क निर्माण कार्य, बिजली आपूर्ति एवं अन्य जो मूलभूत सुविधा देने के लिए भी सुरक्षा प्रदान की जाती है, ये कार्य भी लगातार जारी। बीसीपी 24 न्यूज के लिए जगदलपुर से विजय पचौरी की रिपोर्ट।